प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। सो अज की इस वीडियो दे विच असी कंप्यूटर साइंस जमात अठवीं दे पार्ट नंबर चार माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट भाग एक बारे पढ़ांगे। तो सब तो पहला असी इस पाठ के उद्देश बारे जान लें, जिस भी साढ़े को पहला टॉपिक है पावरपॉइंट नाल जान पछाण, प्रेजेंटेशन की है, स्लाइड की है, दूसरा पॉइंट पावरपॉइंट नूं किवें ओपन करना है, तीसरा है पावरपॉइंट विंडो के वक्-वक् भाग कड़े-कड़े हैं, चौथा है फोटो एल्बम प्रेजेंटेशन किवें तैयार करिए, पंजवा है दर्शक लई प्रेजेंटेशन किस तरह चलानी है, छेवा है प्रेजेंटेशन नूं सेव अते बंद करना, अते इस पार्ट के अखीर विच असी इस पार्ट का अभ्यास करांगे। सो आओ असी हुण इस वीडियो नूं शुरू करते हैं। सब तो पहले असी जान लैंदे हां पावरपॉइंट की है। सो पावरपॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक भाग है जिसनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वालों बनाया गया है। पावरपॉइंट सानू बहुत ही प्रभावशाली और प्रोफेसनल दिखने वाले इलैक्ट्रॉनिक स्लाइड शो बनाने की आज्ञा दिता है। पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिस विच तैयार की गई प्रेजेंटेशन कंप्यूटर की स्क्रीन उत्ते या कंप्यूटर नाल अटैच किए गए प्रोजेक्टर द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन साढ़े विचार या जानकारी नूं विशाल स्रोतियां तक पहुँचाने लई एक वधिया तरीका है। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन नूं PPT भी कहा जाता है। अते इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फाइल एक्सटेंशन .PPTX होंदी है। ये जिहड़ी वीडियो विद्यार्थी तुसीं देख रहे हो ये भी पावरपॉइंट या प्रेजेंटेशन की एक उदाहरण है। सो अगे हुण असीं पावरपॉइंट दे जिहड़े संस्थापक है जिन्होंने पावरपॉइंट की खोज की सी उन्हां बारे जान लैंदे हां। सो पावरपॉइंट का सब तो पहला नाम प्रेजेंटर फोरथॉट कंपनी वालों रखा गया सी, पर कॉपीराइट मसले करके 1987 में इसका नाम पावरपॉइंट रख दिता गया। सो पावरपॉइंट नूं डेनिस ऑस्टिन अते रॉबर्ट गैसकिन ने फोरथॉट सॉफ्टवेयर कंपनी में तैयार किया सी अते शुरू में इसका नाम प्रेजेंटर रखा गया सी। सो अगे हुण असीं जान लैंदे हां प्रेजेंटेशन की होंदी है। सो प्रेजेंटेशन किसी विषय नूं रोचक तरीके नाल दर्शकों सामने पेश करन दी प्रक्रिया है अते इसका उद्देश तस्वीर टैक्सट ग्राफ चार्ट एनिमेशन आदि की वरतों करते हुए विषय वस्तु नूं आसानी नाल समझण योग बनाउणा है। सो दो या दो तो ज़्यादा स्लाइडा दे इकट्ठ नूं प्रेजेंटेशन कहा जाता है। सो स्लाइड एक पेज नूं कहिंदे आ। एक वधिया प्रेजेंटेशन विच 10 तो 12 स्लाइडा हो सकदियां हन। सो असी अपनी स्लाइड नूं एनीमेशन ऑडियो या वीडियो राही होर भी आकर्षक बना सकते हैं। सो अगे हुण असी स्लाइड की है उस बारे जान लैंदे हां। सो प्रेजेंटेशन दे इकल्ले पेज नूं स्लाइड कहा जाता है। जिवें तुसीं चित्र विच देख पा रहे हो इस विच खब्बे पासे जिथे एरो लगा होया दो पेज दिख रहे हैं। इस विच पहले नंबर वाले पेज नूं असी स्लाइड कहांगे, दूसरे नंबर वाले पेज नूं भी असी स्लाइड कहांगे। सो स्लाइड उह थां होंदी जिथे असी कुछ भी टैक्सट फोटो इमेज या कोई भी चित्र वगैरह प्रदर्शित कर सकते हैं। सो प्रेजेंटेशन के इकल्ले पेज नूं स्लाइड किया जाता है, जिवें फिल्म नूं बनाउण लई छोटे छोटे क्लिप की वरतों की जाती है, उस तरह ही प्रेजेंटेशन बनाउण लई भी सानूं स्लाइडां की वरतों करनी पैंदी है। सो स्लाइड विच उह जानकारी हुंदी है जिसनूं असीं टैक्सट चित्र टेबल आडियो वीडियो या चार्ट राहीं अपने दर्शकों नूं विखाउणा चाहुंदे हां। सो एक प्रेजेंटेशन विच एक तो ज़्यादा स्लाइडां हो सकदियां हन। सो अगे हुण असीं पावरपॉइंट नूं ओपन करन दे वख-वख तरीकियां बारे जाणांगे। जिस भी साढ़े कोल पहला तरीका है स्टार्ट बटन की वरतों नाल। सब तो पहला इसका तरीका है स्टार्ट बटन उपर क्लिक करो, फिर आल प्रोग्राम उपर क्लिक करो, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑप्शन उपर क्लिक करो अते लास्ट पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 उपर क्लिक करो। अते इसका दूसरा तरीका है पावरपॉइंट नूं रन बॉक्स की वरतों नाल असीं किवें खोल सकते हैं। विंडो प्लस आर कीज की मदद नाल रन बॉक्स ओपन करो, पावरपॉइंट शब्द टाइप करो, ओके बटन ते क्लिक करो अते एंटर की दबाओ। उस तो बाद इसका तीसरा तरीका है टास्क बार या डेस्कटॉप उपर मौजूद आइकन की वरतों नाल भी असी पावरपॉइंट ओपन कर सकते हैं। जिसका पहला पॉइंट है टास्क बार या डेस्कटॉप ते मौजूद पावरपॉइंट आइकन उपर डबल क्लिक करो, पावरपॉइंट 2010 एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। सो असी हुण इन्हां तिन्हां तरीकों प्रैक्टिकल राही करके वेख लैंदे हां।
सो हूँ असी विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के राही माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में खोलन के स्टैप्स बारे सीखा साडा सारा पहला स्टैप है सर्च बटन राही जिवें तुसीं टास्क बार ते सर्च बटन देख रहे हो इस विच असी जिवें ही लिखांगे पावर पॉइंट तुसीं उपर देख पा रहे हो लिस्ट विच पावर पॉइंट दा जिहड़ा आइकन है सानूं नज़र आ रहा है सो जिवें ही असी इस उपर क्लिक करांगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जिहड़ी एप्लीकेशन है वह ओपन हो जाएगी। यह सीगा पहला तरीका आते इसका दूसरा तरीका है रन बॉक्स के राही। सो रन बॉक्स में खोलने लिए अपने कीबोर्ड तो विंडो की अते आर की नो इकट्ठा प्रेस करो तो देख पा रहे हो इस तरह के नाल तुहाडी स्क्रीन पर रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस विच तुसीं टाइप करना है पावर POWERPNT पावर पॉइंट। सो जिवें ही तुसीं ओके बटन ते क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह के नाल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिहड़ी एप्लीकेशन है तुहाडे कंप्यूटर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। इस तो बाद इसका तीसरा तरीका है कि पावर पॉइंट एप्लीकेशन टास्क बार या स्टार्ट बटन राही किवें ओपन कर सकते हो। सो जिवें तुसीं देख पा रहे हो टास्क बार ते पहलां तो ही जिहड़ा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आइकन है उसनों पिन किया हो। सो जिवें ही मैं इस आइकन से क्लिक करांगा तो देख पा रहे हो इस तीजे ढंग के नाल भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जिहड़ी एप्लीकेशन है ओपन हो जाएगी। तो हुण असीं माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट विंडो के वख-वख भागां वर जाणांगे। सो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 ओपन करन तो बाद डैस्कटॉप उपर हेठां चित्र विच दिखाए अनुसार विंडो नज़र आएगी। इस विंडो विच उह कई भाग नज़र आउणगे जो हर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम विच नज़र आउंदे हन। हरेक भाग का एक खास मंतव हुंदा है साडे लई इन्हां भागां संबंधी जानकारी होना लाजमी है क्योंकि इस नाल पावरपॉइंट नूं सिखणा या चलाउणा आसान हो जांदा है। इस विच असीं सब तो पहला माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट का पहला भाग है टाइटल बार। सो यह पावरपॉइंट विंडो की सब तो उपरली बार है। इस बार विच सॉफ्टवेयर का नाम माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट और मौजूदा ओपन की गई प्रेजेंटेशन का नाम दिखाई देता है जिवें इस विच प्रेजेंटेशन 2 इस फाइल का नाम और पावरपॉइंट इस एप्लीकेशन का नाम सानू नज़र आ रहा है। टाइटल बार के सज्जे पासे सानू तीन कंट्रोल बटन नज़र आते हैं जिस विच पहला है मिनीमाइज, दूसरा है मैक्सीमाइज या रीस्टोर, तीसरा है क्लोज बटन। उस तो बाद साडे कोल अगली बार है क्विक एक्सेस टूल बार। सो यह टूल बार टाइटल बार के खब्बे पासे जिवें टाइटल बार है टाइटल बार के खब्बे पासे सानू एक क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आ रही है। सो यह टूल बार टाइटल बार के खब्बे पासे मौजूद होंगी है। इस विच आम वरतियां जाने वाली कमांड मौजूद होंगे जिमें कि अंडू, रीडू, स्लाइड शो, कॉपी पेस्ट आदि कमांड क्विक एक्सेस टूल बार विच भी मौजूद होंगे ने। इस तो बाद साडे कोल रिबन आते टैब। सो फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनीमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हेल्प ये सारे टैब नूं प्रभाषित कर रहे हैं। अच्छा उसके हेठा अभी लाल रंग के जिहड़ा बॉर्डर देख रहे हो ये साढ़े कोल की है रीबन। सो रीबन पावरपॉइंट विंडो के उपरले पासे अते टाइटल बार के हेठले पासे मौजूद हुंदा है। पावरपॉइंट विच 8 स्टैंडर्ड टैब्स हुंदे हैं जिन्हां बारे असीं हुणे पढ़ चुके हैं होम, इनसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनीमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, रिव्यू ते हेल्प। सो हरेक टैब नूं संबंधित कमांड के ग्रुप में वंडिया गया हुंदा है जो रीबन विच दिखाई दिंदियां हन। सो जिवें कि तुसीं देख पा रहे हो असीं होम टैब ते क्लिक किया है इस विच जिहड़ा पहले कमांड का ग्रुप है वह है साडे कोल क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के सानू कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर ते पेस्ट वर्गियां कमांड नज़र आदि हैं। उस तरह जेकर असीं स्लाइड ग्रुप की गल करिए स्लाइड ग्रुप के सानू लेआउट, रीसैट, सैक्शन, न्यू स्लाइड वर्गियां कमांड नज़र आदि ने। उस तो बाद जेकर असीं फोंट में चले जाइए तो फोंट ग्रुप में साडे कोल फोंट फेस, फोंट साइज, फोल्ड, फोंट स्टाइल वर्गियां कमांड्स नज़र आदि हैं। तो तुम जिस भी टैब उपर क्लिक करोगे उस टैब वक्-वक् ग्रुप दे विच कई सारिया कमांड्स सानू नज़र आउणगियां। इस तो बाद साढ़े कोल अगला है आउटलाइन आते स्लाइड टैब। सो आउटलाइन टैब एक रूपरेखा के रूप में प्रेजेंटेशन टैक्सट में प्रदर्शित करती है। ये टैब सिलैक्ट किए हुए कंटेंट में
ड्रैग करते हुए स्लाइडा और टैक्सट को मूव करने में सहायक होती है। स्लाइड टैब साड़ी प्रेजेंटेशन दी स्लाइड में छोटे थंबनेल के रूप में जिवें तुसीं देख पा रहे हो छोटे थंबनेल के रूप दे विच प्रदर्शित करती है। यह व्यू स्लाइडा विचकार आसानी नाल नैविगेशन करन दी सहूलत प्रदान करता है। जिवें इस विच एक ही स्लाइड नज़र आ रही है जो बहुत सारी स्लाइड नज़र आ रही होंदियां असीं जिस भी स्लाइड थंबनेल ते क्लिक करना सी उस स्लाइड सानू इस जगह ते दिखाई दे देनी सी। इस तों बाद साडे कोल अगला है स्लाइड पैन। यह साडे कोल की है स्लाइड पैन। यह पैन साडी प्रेजेंटेशन विच मौजूद स्लाइड नूं दर्शाउंदा है। असीं खड़वे स्क्रोल बार दी वरतों नाल प्रेजेंटेशन दीआं होर स्लाइड नूं वेख सकदे हां। असीं माउस दे स्क्रोल बार जिथे साडे कोल इक जदों असीं एक तों ज़्यादा स्लाइड नूं अपनी प्रेजेंटेशन विच शामिल करांगे तां इत्थे साडे कोल इक स्क्रोल बार नज़र आ जाएगा। असीं उस स्क्रोल बार नूं हेठां वल नूं ड्रैग करदे होए एक तों ज़्यादा जिहड़ियां स्लाइड्स हैं उन्हां नूं वेख सकदे हां। उस तों बाद साडे कोल है नोट्स पैन। सो अगे साडे कोल है नोट्स पैन ते देख पा रहे हो व्यू बटन दे नाल साडे कोल नोट्स पैन है। ये पैन स्लाइड पैन दे नीचे मौजूद हुंदा है। इस पैन की वरतों स्लाइड कंटेंट नाल संबंधित नोट्स टाइप करने लई कीती जांदी है। सो नोट्स पैन की वरतों असीं उदों कर सकते जदों स्लाइड दे विच तुसीं कोई शब्द लिखा है जां उस बारे तुसीं कोई टिप्पणी करना चाहते हो तो उसनों तुसीं नोट्स पैन विच दे सकते हो। उस तों बाद साडे कोल है व्यू ऑप्शन या व्यू बटन। सो ये ऑप्शन स्टेटस बार के सज्जे पासे मौजूद होंदियां हन जिवें तुसीं देख पा रहे हो। सो इस विच व्यू बटन लगे होंदे हन जिन्हां दी मदद नाल असीं वख-वख व्यूज विचकार स्विच कर सकते हैं। ये चार व्यू बटन हैं जिस विच पहला है नॉर्मल व्यू, दूसरा स्लाइड सॉर्टर व्यू, तीसरा रीडिंग व्यू और चौथा स्लाइड शो व्यू। सो स्टेटस बार के इस खेत्र विच अगला जिहड़ा सर्कल है जूम स्लाइडर। सो जूम ऑप्शन की मौजूद होंदी है। जूम कंट्रोल की मदद नाल असीं अपनी जिहड़ी स्लाइड है इसका साइज़ जूम करके या छोटा करके देख सकते हैं। सो जूम कंट्रोल एक स्लाइडर तो बनया होंदा है जिवें तुसीं देख पा रहे हो। इस स्लाइडर नूं असीं जेकर खब्बे पासे लैके आवांगे तो इसका साइज़ स्लाइड का जिहड़ा साइज़ है वह छोटा हो जाएगा। जेकर असीं इस आइकन नूं सज्जे पासे वल नूं लैके जांदे हां या प्लस दे निशान ते क्लिक करते हैं तो स्लाइड का जिहड़ा साइज़ है वह वड्डा हो जाएगा। सो ये सीगे साडे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के वख-वख भाग। सो बच्चे हुण असीं माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट दे राहीं फोटो एल्बम किवें तैयार करते हैं उस बारे सीखांगे। सो पावरपॉइंट सानूं फोटोआं दी प्रेजेंटेशन बनाउण लई तस्वीरां दे सैट नूं इंपोर्ट करन दी सहूलत प्रदान करता है। फोटो एल्बम ऑप्शन दी मदद नाल असीं तस्वीरां दी सिलैक्शन या उन्हां नूं लड़ीवार करके असीं उन्हां तस्वीरां विच कुछ टैक्सट भी शामिल कर सकते हाँ। सो इन्हां असीं सारियां जिहड़ियां ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਉਸਦੇ ਸਟੈਪਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਾ ਇਮੇਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਊ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਨਸਰਟ ਨਿਊ ਪਿਕਚਰ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੇਜ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਮੇਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਰਟ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਲਾਈਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਲਾਵਰ ਨਾਮ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 17 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈ ਉਹ ਗੂਗਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
इन्हें तस्वीर की मदद के नाल असं हम एक प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करेंगे। सब तो पहला पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन करो, ब्लैंक प्रेजेंटेशन की चोन करो। चोन करने तो बाद असं एक फोटो एल्बम तैयार करने के लिए सब तो पहला इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद इस वे इमेजेस ग्रुप के फोटो एल्बम का ऑप्शन देख पा रहे हो। इस फोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे। इस हेठा जी पहली ऑप्शन है न्यू फोटो एल्बम, असं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सो इस ऑप्शन पर क्लिक करने तो बाद जिमें कि तुम इस पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, तुम जी पिक्चर्स है फोटो है वो कितों इंसर्ट करना चाहते हो, फाइल या डिस्क, असं इस ऑप्शन पर क्लिक करा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने तो बाद जिमें असं डैस्कटॉप पर एक फ्लावर नाम का फोल्डर है असं इस क्लिक करा। इस सो इस भी तुम जिमें देख पा रहे हो जो फ्लावर नाम के फोल्डर के सारिया जो फोटो है वो सू कुछ इस तरह नज़र आ रही ने। सो असी कीबोर्ड तो कंट्रोल की प्रेस करके या तो सिंगल सिंगल जी फोटो है वह सिलेक्ट कर सकते हैं। जेकर तुम सारिया फोटो सिलेक्ट करना चाहते हो तो कीबोर्ड तो कंट्रोल प्लस ए की प्रेस करोगे तो देख पा रहे हो सारिया जो फोटो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। सारिया फोटो सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक करोगे तो तुम देख पा रहे हो इस सारिया जो फोटो है वो आ चुकी हैं। इस तो बाद जेकर तुम इस फोटो को अरेंज करना चाहते हो तो इस फोटो को सिलेक्ट करो, मान लो इसमें तुम हेठा लग जाना है इस तरह के नाल जिस भी पोजिशन पर उस फोटो में भेजना चाहते हो उसमें भेज सकते हो। उस तो अलावा मान लो सो जिस भी फोटो में तुम घुमाना चाहते हो रोटेट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ये साढ़े को रोटेशन ये लैफ्ट रोटेट हो जाएगा ये राइट में रोटेट हो जाएगा। सो किसी भी फोटो में तुम रोटेट करना चाहते हो तो रोटेशन की इन दो ऑप्शनों के राही तुम उसको खब्बे सज्जे रोटेट करके उसकी पोजिशन सैट कर सकते हो। उस तो बाद साढ़े को इसका अगला ऑप्शन है फोटो की जिहड़ी ब्राइटनेस है वह सैट करना। इस राही तुम फोटो को गूढ़ा कर सकते हो, इस राही तुम उसको थोड़ा हल्का हल्का रंग दे सकते हो, मतलब कि ब्राइटनेस को घटा वधा सकते हो। उस तो बाद साढ़े को लास्ट वाला ऑप्शन है तुम उस फोटो का जो कंट्रास्ट है उसको बढ़ाना घटाना चाहते हो, उस दे लई तुम इन ऑप्शन की जी चोन है वो कर सकते हो। सो कंट्रास्ट की चोन करने तो बाद उस तो बाद एल्बम का लेआउट के अंडर पिक्चर लेआउट सिलेक्ट करेंगे। इसलिए साढ़े को काफ़ी सारे ऑप्शन है फिट टू स्लाइड, पिक्चर विद टाइटल, पिक्चर विद टाइटल, तो असं इस फिट टू स्लाइड ऑप्शन की चोन करा। चोन करने तो बाद असी क्रिएट बटन पर क्लिक कर देंगे। सो तुम देख पा रहे हो फस्ट पेज पर साड़ी जो टाइटल है एल्बम का जो भी तुम देना चाहते हो उसमें तुम दे सकते हो। सैकेंड पेज पर जी थोड़ी प्रेजेंटेशन है ये देख पा रहे हो असं इस स्लाइड इस खब्बे पास जो स्लाइड पैन पर अभी क्लिक कर रहे हैं तो उस व्यू सू सजे पास नज़र आ रहा है। इस तरह के नाल असं माउस के नाल स्क्रोल करते हुए इसमें हेठा तक लैके जाके देख सकते हैं कि साड़ी जी फोटो एल्बम है वो तैयार हो चुकी है। सो इस तरह के नाल असी इंसर्ट टैब दे विच फोटो एल्बम ऑप्शन की वरतों करते हुए असी एक फोटो एल्बम तैयार कर सकते हैं। सो फोटो एल्बम तैयार करने तो बाद हम असी सीखांगे कि असी दर्शकों की प्रेजेंटेशन किस तरह चलाना है। तो इसका जो पहला तरीका है पहली स्लाइड तो प्रेजेंटेशन शुरू करना। तो इस दे लई अपने कीबोर्ड तो शॉर्टकट की एफ की दबाओ या स्लाइड शो टैब उपर क्लिक करो और स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप विच बिगिनिंग बटन उपर क्लिक करो। सो हुण असीं दर्शकों लई प्रेजेंटेशन किस तरह चलानी है उसका पहला तरीका सीख लैने। पहली स्लाइड तो प्रेजेंटेशन किवें शुरू करना है उस दे लई तुसीं अपने कीबोर्ड तो F5 की प्रेस करोगे तो तुसीं देख पा रहे हो साडी जिहड़ी प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई है। तो साढ़े को पहली स्लाइड है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंजवीं, इस तरह के नाल जिन्हें भी स्लाइड्स असी अपनी प्रेजेंटेशन ऐड की है उसमें असं डाउन एरो की मदद नाल अगे पीछे करके देख सकते हैं। जिमें असी एंड पे आवेंगे साड़ी जी स्लाइड है दोबारा इस व्यू में ओपन हो जाएगी।
ये सीखा साढ़े को पहला तरीका। दूसरा तरीका है स्लाइड शो टैब, ये तुम नज़र आ रहा है, स्लाइड शो टैब पर क्लिक करो, फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप दे विच, फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन से क्लिक करो, दोबारा जो तुहाडी प्रेजेंटेशन है वह पहले पेज तो शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के नाल डाउन एरो की जी वर्तों करते हुए अगे अगे करके अपनी जी स्लाइड्स है वक्री वक्री स्लाइड के व्यू वेख सकते हैं। ये साढ़े को एंड ऑफ द स्लाइड शो आ गया, उत्तर लिखा हुआ है कोई भी की एंटर करो तो इस स्लाइड शो तो बाहर आ जाओगे। जिवें ही असी कोई भी की प्रेस करते हैं तो असी स्लाइड शो चो बाहर आ जाएंगे। दूसरा तरीका है मौजूदा स्लाइड तो प्रेजेंटेशन शुरू करना। इस लिए शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F5 की दबाओ, जां स्लाइड शो टैब उपर क्लिक करो और स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप विच, फ्रॉम करंट स्लाइड बटन उपर क्लिक करो, जां फिर स्टेटस बार उपर मौजूद स्लाइड शो व्यू बटन उपर क्लिक करो। साडे कोल दूसरा ऑप्शन है मौजूदा स्लाइड तो प्रेजेंटेशन किवें शुरू करना है। सो मान लो असी पंजवें पेज ते हैं, असी इस पेज तो अपनी जिहड़ी प्रेजेंटेशन है उसनूं चलाना शुरू करना है। उस लिए असी कीबोर्ड तो शिफ्ट प्लस F5 की प्रेस करांगे तो जिहड़ी स्लाइड ते आपां मौजूद होवांगे उस स्लाइड तो साडा जिहड़ा स्लाइड शो है वह शुरू हो जाएगा। सो इस तरह दे नाल असी किसी भी मौजूदा थां तो अपनी प्रेजेंटेशन दे स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। इस तो बाद इसका दूसरा ऑप्शन है स्लाइड जिहड़ा साडे कोल स्टेटस बार है, स्टेटस बार ते लगे हुए स्लाइड शो बटन जिहड़ा चौथा बटन देख पा रहे हो, इस बटन ते आवे असी जिवें ही क्लिक करांगे तां वी तुहाडी जिहड़ी स्लाइड है जिहड़ा स्लाइड शो है वह शुरू हो जाएगा। तो ये इसका दूसरा तरीका है। इस तो बाद इसका तीसरा तरीका है स्लाइड शो टैब उपर क्लिक करो, जिवें कि तुसीं देख पा रहे हो स्लाइड शो टैब उपर असीं पहला क्लिक किया हो, इस विच असीं फ्रॉम करंट स्लाइड ते क्लिक करांगे। सो इह साडे कोल तीसरा तरीका है जिस तरह ही असीं करंट स्लाइड तो अपनी जिहड़ी प्रेजेंटेशन है उसनूं शुरू कर सकते हैं। हुण असीं प्रेजेंटेशन फाइल नूं सेव करन दे तरीके बारे जाणांगे। सो किसी प्रेजेंटेशन नूं बनाउण तों बाद उसनूं सेकेंडरी मैमरी ते पक्के तौर ते सेव करना पैंदा है ताकि असीं जरूरत पैण ते उसदी किसी भी समय वरतों कर सकीए। सो असीं हुण प्रेजेंटेशन नूं सेव करन दे तरीके बारे जाण लैंदे हां। सब तों पहलां फाइल टैब उपर क्लिक करो ते सेव ऑप्शन ते क्लिक करो, जां फिर क्विक एक्सेस टूल बार उपर सेव बटन ते क्लिक करो, जां शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस की दबाओ। इन्हां तरीकों राहीं असीं अपनी प्रेजेंटेशन फाइल नूं सेव करके रख सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल नूं सेव करन बारे सिखांगे। उसका सब तों पहला तरीका है फाइल टैब ते क्लिक करो, फाइल टैब दे विच मौजूद सेव ऑप्शन ते क्लिक करो। सेव ऑप्शन ते क्लिक करन तों बाद ओह थां चुनो जिथे तुसीं अपनी फाइल नूं सेव करना चाहते हो। उस तों बाद फाइल नेम दे विच उस फाइल का नाम टाइप करो और सेव बटन ते क्लिक करके असीं अपनी फाइल नूं सेव कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है क्विक एक्सेस टूल बार दे विच मौजूद सेव बटन ते क्लिक करो, अपनी फाइल का नेम टाइप करो और जिस लोकेशन ते तुसीं अपनी फाइल नूं सेव करना चाहते हो उसनूं चुनो और सेव ते क्लिक करोगे। तुसीं देख सकते हो इत्थे हुण तुहाडी जिहड़ी फाइल का नाम है जो असीं फोटो एल्बम दिता है वह इत्थे सानूं नज़र आ रहा है। इसका तीसरा तरीका है कीबोर्ड तो कंट्रोल प्लस एस की जी वरतों करते हुए भी असीं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेव कर सकते हैं। सो प्रेजेंटेशन सेव करन तो बाद या दर्शकों को दिखाने तो बाद असीं पावर पॉइंट नूं बंद कर सकते हैं ताकि उस द्वारा मुख्य मैमरी विच रोकी गई जगह नूं खाली किया जा सके। सो हुण असीं पावर पॉइंट नूं बंद करने के तरीके बारे जान लैंदे हां, जिस विच इसका पहला तरीका है फाइल टैब उपर क्लिक करो और एग्जिट ऑप्शन ते क्लिक करो, जां टाइटल बार दे सज्जे पासे मौजूद क्रॉस बटन ते क्लिक करो, जां शॉर्टकट की आल्ट प्लस F4 दी वरतों करके पावर पॉइंट नूं बंद कर सकते हैं। सो अपनी प्रेजेंटेशन फाइल नूं सेव करन तों बाद हुण असीं पावर पॉइंट नूं बंद करन दे तरीके बारे सिखांगे। सब तों पहला तरीका है फाइल ते जाओ, फाइल दे लास्ट विच साडे कोल क्लोज ऑप्शन है, असीं जिवें ही क्लोज बटन ते क्लिक करांगे साडी जिहड़ी प्रेजेंटेशन है वह बंद
हो जाएगी। पावरपॉइंट नूं बंद करन दा दूसरा तरीका है टाइटल बार दे लास्ट विच क्रॉस बटन ते क्लिक करो, ते इस तरह दे नाल वी तुहाडी प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगी। पावरपॉइंट नूं बंद करन दा तीजा तरीका है कीबोर्ड तो आल्ट प्लस एफ फोर की दबाओ, इस नाल इस तरह नाल वी तुहाडी जिहड़ी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन आ बंद हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट भाग एक पाठ का अभ्यास करांगे, जिस भी सब तो पहले को खाली थावान भरो। सो पहली साढ़े को खाली थाना है डैश एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, साढ़े को ऑप्शन है पावरपॉइंट एक्सेल वर्ड या पेंट। तो साढ़े को सही उत्तर है पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। दूसरी साढ़े को खाली थाना है डैश किसी विषय में रोचक तरीके दर्शकों सामने पेश करने की प्रक्रिया है, साढ़े को ऑप्शन है वर्ड प्रोसैसर स्लाइड प्रेजेंटेशन या ट्रांजिशन। साढ़े को इसका सही उत्तर है प्रेजेंटेशन किसी विषय में रोचक तरीके दर्शकों सामने पेश करने की एक प्रक्रिया है। तीसरी साढ़े को खाली थाना है डैश एक डैश प्रेजेंटेशन का एक पेज होंगे है, साढ़े को ऑप्शन है स्लाइड डॉक्यूमेंट शीट या इन कोई नहीं। साढ़े को सही उत्तर है एक स्लाइड प्रेजेंटेशन का एक पेज होंगे है। अगर साढ़े को चौथी खाली थाना है डैश साड़ी प्रेजेंटेशन मौजूदा स्लाइड में दर्शाता है, साढ़े को ऑप्शन है आउटलाइन पैन कंटेंट पैन रिबन या स्लाइड पैन। तो साढ़े को इसका सही उत्तर है स्लाइड पैन साड़ी प्रेजेंटेशन मौजूदा स्लाइड में दर्शाता है। अगर साढ़े को बहुत छोटे अंतर वाले प्रश्न है, जिस भी साढ़े को पहला प्रश्न है तुम पावरपॉइंट में किवें खोलोगे, तो साढ़े को सही उत्तर है विंडो प्लस आर की दी मदद नाल रन बॉक्स खोलेगा, तो रन बॉक्स में पावर पी एन टी टाइप करके असी पावरपॉइंट की विंडो नू खोल सकते हैं। दूसरा साढ़े को प्रश्न है पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन सेव करने की शॉर्टकट की लिखो, सो पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन सेव करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। तीसरा प्रश्न है पावरपॉइंट नू बंद करने की शॉर्टकट की लिखो, सो पावरपॉइंट नू बंद करने की शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस एफ फोर। सो ऑल्ट प्लस एफ फोर की दी वरतों करते हुए असीं अपनी पावरपॉइंट एप्लीकेशन बंद कर सकते हैं। अगर साढ़े को चौथा प्रश्न है पहली स्लाइड तो स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की लिखो, साढ़े को पहली स्लाइड तो स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की है एफ फाइव फंक्शन की। पंजवा प्रश्न है पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन फाइल की एक्सटेंशन लिखो, सो पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन फाइल की एक्सटेंशन डॉट पी पी टी एक्स होती है। अगर साढ़े को छेवां प्रश्न है रन बॉक्स नाल पावरपॉइंट ओपन करने लिए किहड़े शब्द की वरतों की जाती है, सो रन बॉक्स खोलने तो बाद असी पावर पी एन टी टाइप करके पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। अगर साढ़े को छोटे उत्तर वाले प्रश्न, जिसमें साढ़े को पहला प्रश्न है पावरपॉइंट की है, सो पावरपॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज एक भाग है जिसनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वालों बनाया गया है। पावरपॉइंट सानू बहुत ही प्रभावशाली और प्रोफेसनल दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो बनाने की आग्ञा दिता है। पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, इस विच तैयार की गई प्रेजेंटेशन कंप्यूटर की स्क्रीन उत्ते या कंप्यूटर नाल अटैच किए गए प्रोजेक्टर द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन साढ़े विचार या जानकारी विशाल स्रोतियों तक पहुँचाने लिए एक वधिया तरीका है। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी भी कहा जाता है, अते इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फाइल एक्सटेंशन डॉट पी पी टी एक्स होंगी है। अगर साढ़े को दूजा प्रश्न प्रेजेंटेशन उपर नोट लिखो, सो प्रेजेंटेशन किसी विषय में रोचक तरीके दर्शकों सामने पेश करने की प्रक्रिया है, इसका विषय उद्देश तस्वीर टैक्सट ग्राफ चार्ट एनीमेशन आदि की वरतों करते हुए विषय वस्तु को आसानी नाल समझने योग बनाना है। दो या दो तो ज़्यादा स्लाइडा के इकट्ठ को प्रेजेंटेशन किया जाता है। एक वधिया प्रेजेंटेशन विच 10 तो 12 तक स्लाइड हो सकती हैं। असी अपनी स्लाइड नू एनीमेशन आडियो या वीडियो राही होर भी आकर्षक बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है स्लाइड की होंगी है, तो जिस तरह एक फिल्म कई छोटे छोटे क्लिप तो मिलकर बनती है, उसी तरह प्रेजेंटेशन कई स्लाइडा तो मिलकर बनती है। सो प्रेजेंटेशन के इकले पेज नू स्लाइड किया जाता है। प्रेजेंटेशन बनाने लई स्लाइड उपर वख वख किस्म के ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं। पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने लिए एक या एक तो वध स्लाइडा की वरतों की जा सकती है। अगर साढ़े को चौथा प्रश्न है पावरपॉइंट विंडो के मुख्य भाग का नाम लिखो,
ਸੋ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ, ਤੀਸਰਾ ਰੀਬਨ ਟੈਬ, ਚੌਥਾ ਆਊਟਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡ ਟੈਬ, ਪੰਜਵਾਂ ਸਲਾਈਡ ਪੈਨ, ਛੇਵਾਂ ਨੋਟਸ ਪੈਨ, ਸੱਤਵਾਂ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ, ਅੱਠਵਾਂ ਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ F5 ਕੀ ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਟੈਬ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੋਮ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਪੈਨ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਪੈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਪੈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੜਵੇ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਪੈਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨੋਟਸ ਪੈਨ। ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟਸ ਪੈਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨ ਸਲਾਈਡ ਪੈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਲਾਈਡ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਬਟਨ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼, ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਬਟਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ। ਇਹ ਟੂਲ ਬਾਰ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰੀਬਨ ਅਤੇ ਟੈਬ। ਰੀਬਨ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ 8 ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਮ, ਇਨਸਰਟ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ, ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ ਵਿਊ ਟੈਬ। ਹਰੇਕ ਟੈਬ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਬਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦੇ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਦੇ ਇਮੇਜ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਊ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਡਿਸਕ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਨਸਰਟ ਨਿਊ ਪਿਕਚਰ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੇਜ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਰਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਲੇਆਊਟ ਬਦਲਣਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਲਾਈਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।